स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग डीजीटी की तरफ से जारी किए गए लेटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस लेटर में स्पेशल एक एग्जामिनेशन होने वाला है मार्च मंथ में, मार्च 2024 में आईटीआई का स्पेशल एग्जाम होने वाला है। उसमें प्रैक्टिकल और जो सीबीटी एग्जाम है कब होने वाला है उसकी डेट डिक्लेयर की गई है, और जो प्रोसेस है फीस जमा करने का, कॉलेज से कॉन्टेक्ट करने का, सारा प्रोसेस इस लेटर में डेट सहित दिया गया है, वही मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो आप देख रहे हैं ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई एग्जामिनेशन 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए, और यहाँ पर फ्री क्लासेज अपलोड होना शुरू हो गई हैं। प्लेलिस्ट में जाना है और अपना सब्जेक्ट और अपना ट्रेड सेलेक्ट करना है, जो भी प्लेलिस्ट आपको पसंद आती है, पसंद यानी आपकी जो ट्रेड है उस ट्रेड में आप जाइए, और वहाँ पर 2024 के नाम से जो क्लासेज अपडेट होना शुरू हो गई हैं। अब वो फेटर सेकेंड ईयर हो या फिर आपकी यहाँ पर जैसे फेटर सेकेंड ईयर में अगर आप जाते हैं व्यू फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे, फिलहाल इंटरनेट का इशू है नहीं शो कर रहा, तो वहाँ पर आपको फिटर की दिखेगा, इलेक्ट्रिशियन दिखेगा, सारी क्लासेज आपको वन बाय वन दिखेंगी। और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, बेसिक से पूरा पढ़ना चाहते हैं, तो आप ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। 16 जनवरी को ये लेटर जारी किया गया है। इसमें सीटीएस एग्जामिनेशन की बात की गई, सीटीएस मतलब आईटीआई एग्जाम की बात हो रही है, और सप्लीमेंट्री यानी बैक पेपर परीक्षाएं जो किसी एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट या उससे ज्यादा सब्जेक्ट में जो बच्चे फेल होते हैं उनके लिए स्पेशल एग्जाम कराया जा रहा है। लेकिन कौन से बच्चे, ध्यान रखने वाली बात है, सेमेस्टर सिस्टम के बच्चों के लिए स्पेशल मौका दिया गया है, और सेमेस्टर सिस्टम में भी स्पेशली लिखा गया है 2017 से 19 वाले बच्चे, ऐसे बच्चे 2 वर्ष की आईटीआई कर रहे थे जो 2 वर्ष वाली आईटीआई कर रहे थे और 17 में एडमिशन लिया था, 19 में आईटीआई कंप्लीट होनी थी और सेमेस्टर सिस्टम में थे, ऐसा कोई भी बच्चा हो तो वो जो है बैक पेपर के लिए एलिजिबल है, और उसके लिए ये परीक्षा ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। ये परीक्षा होनी कब है, परीक्षा होनी है मार्च 2024 में। और जो आईटीआई कौन सी होंगी, ऐसी आईटीआई जो 2 वर्ष वाली है, जैसे इलेक्ट्रिशियन होती है 2 वर्ष की, फिटर 2 वर्ष की होती है, कोपा 1 ईयर की होती है, तो कोपा के लिए नहीं, 2 वर्ष वाली के लिए जो स्पेशल एग्जामिनेशन के ड्राइव है। और कब कब क्या होना है वो मैं आपको बता दूं, आपको 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच अपने आईटीआई कॉलेज पर बैक पेपर फीस जमा करना है ड्राइंग और प्रैक्टिकल का, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग और प्रैक्टिकल का एग्जाम कब होगा उसके लिए आप नीचे की तरफ देखिए डेट दिया हुआ है, 11 मार्च से 16 मार्च के बीच जो है आपका ड्राइंग और प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा बैक पेपर का। उसके बाद आगे बढ़िए, सीबीटी की बात होगी, सीबीटी फीस कब जमा होगी, सीबीटी फीस जमा होगी आपके ड्राइंग के बाद, और इसका जो सीबीटी का एग्जामिनेशन होगा वो 20 मार्च से शुरू होगा, 2-4 दिन में खत्म हो जाए क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, तो हो सकता है 20, 21, 22, 23 इस तरह से ये खत्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ड्राइंग और प्रैक्टिकल का स्पेशल टाइम टेबल नीचे भी दिया हुआ है, जिसमें एक एक डेट दिया हुआ है, जैसे देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम का है इसलिए सेमेस्टर की बात की गई है। सेमेस्टर में आप देखेंगे 11 मार्च को सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है, ठीक है, सुबह 10 बजे। ड्राइंग सब्जेक्ट है आपकी यहाँ पर देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग लिखा हुआ है, 2:30 बजे से थर्ड सेमेस्टर की ड्राइंग होगी, ठीक है। उसके बाद 12 तारीख को सुबह 10 बजे से फोर्थ सेमेस्टर की ड्राइंग है, ये सब यहाँ पर दिया हुआ। फर्स्ट क्यों नहीं दिया है ड्राइंग में, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में ड्राइंग आपका ओएमआर सिस्टम पे होता था, ड्राइंग बनती नहीं थी, इस वजह से यहाँ पर ड्राइंग का फर्स्ट सेमेस्टर नहीं शो कर रहा। प्रैक्टिकल की बात कर ली जाए, फर्स्ट सेमेस्टर का प्रैक्टिकल बैक होगा तो 13 मार्च को है, 14 मार्च को जो है आपका सेकेंड सेमेस्टर है, 15 मार्च को थर्ड सेमेस्टर है, और 16 मार्च को आपका फोर्थ सेमेस्टर का प्रैक्टिकल का बैक है। तो ये सेमेस्टर के बच्चों के लिए है, 17 से 19 सत्र वाले बच्चों के लिए है, 2 वर्ष वाले जो आईटीआई कर रहे थे उनके लिए स्पेशल एग्जाम करा रहे डीजीटी, और उसका ये टाइम टेबल दिए हैं। और सीबीटी एग्जाम फीस जो जमा करने की बात थी तो यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है ना, अपलोड आप प्रैक्टिकल ड्रॉइंग मार्क्स एग्जाम एग्जामिनर नोडल आईटीआई, तो ये सब तो नोडल आईटीआई वगैरह का काम है, लेकिन आप लोग जो है कॉलेज से अपना संपर्क कर लीजिएगा अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो। ये जो 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच आपका जब ओपन होगा इसी में सीबीटी का है, मैंने वहां बाय मिस्टेक वीडियो में एक जगह बोल दिया था कि प्रैक्टिकल के बाद होगा, यहीं पर देखिए तीनों लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल की बैक की फीस हो, ड्राइंग की बैक की फीस हो, या फिर सीबीटी बैक पेपर फीस हो, सब के सब का 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच ही जमा होने वाला है। तो अगर आपका भी सत्र 2019 वाला था, यानी 2017 से 19 का सत्र था, आप 2 वर्ष वाली आईटीआई कर रहे थे, किसी सब्जेक्ट में आप फेल थे, ठीक है, किसी सेमेस्टर में, एक से ज्यादा सेमेस्टर में भी बैक थी, तो उस सेमेस्टर का आप यहाँ पर बैक पेपर जो है मौका आपको स्पेशल दिया है यानी डीजीटी ने, जो भी इनका प्लान रहा हो, तो भाई जो भी बच्चे ऐसे हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है। सेमेस्टर वालों बच्चों के बीच इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। बाकी ये जो नीचे टाइम टेबल दिया हुआ है ये टाइम टेबल मैं ग्लोबल आईटीआई के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसको आप नोट डाउन भी
कर सकते हैं। टाइम टेबल में कंफ्यूजन है तो कोई नहीं, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। आईटीआई स्टूडेंट हैं आप, 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच अपने कॉलेज पर पहुंचिए, अपनी बैक पेपर फीस जमा कराइए और आराम से एग्जामिनेशन की तैयारी कर लीजिए। धन्यवाद।